नमस्कार टू एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बाबर के जितने भी बैटल्स हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बैटल्स पे जंप करने से पहले ओवरव्यू ले लेते हैं कि बाबर कौन थे, उनके पेरेंट्स का क्या नाम है, कब पैदा हुए थे, थोड़ा बहुत बाबर के बारे में हम जान लेते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें करके आपका टाइम नहीं वेस्ट करूँगी, सीधे हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। बाबर सबसे पहले इनको और भी उनका एक्चुअली और भी किस नाम से तो नहीं कहूंगे, जो एक्चुअली इनका नाम है क्या है, जहीरुद्दीन मोहम्मद। क्या नाम है? जहीरुद्दीन मोहम्मद, बट कॉमनली ही इज नोन एज बाबर। ये जाने जाते हैं बाबर के नाम से। अगर हम इनके बर्थ की बात करें, बर्थ कब हुआ था? 14 फरवरी। आई एम श्योर ये डेट तो आप लोगों को याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। 14 फरवरी, फिर 14 आ रहा है, 1483, ठीक है। तो अब ऐसा क्या खास बात था बाबर में कि उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने की नींव रख दी, राइट? कुछ तो खास रहा ही होगा जिसकी वजह से ऐसा हो पाया। तो अगर हम उनके पेरेंट्स के बारे में पढ़े तो शायद हम थोड़ा बहुत हमें उससे एक हिंट मिलेगा, राइट। फादर उमर शेख मिर्जा किसके वंशज है? तैमूर के। और अगर हम तैमूर को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि ये कितना बड़ा कॉन्करर था, ठीक है, ये कितना ज्यादा शक्तिशाली था, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इसका वंशज होगा, बट ऑब्वियस है उस इंसान में भी वो ब्लड जो होगा वो उसी लेवल का होगा, ठीक, और उनके फादर भी उसी तरीके के होंगे। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि मदर की तरफ से क्या है। तो मदर का पहले नाम जान लीजिए, तुगलुक निगार खानूम, ये एम है, तुगलुक निगार खानूम। ये किसकी वंशज थी? चंगेज खान की, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये मंगोल्स के वंशज हैं ये लोग, ठीक है। तो तुगलुक निगार खानूम चंगेज खान की वंशज थी। चंगेज खान के बारे में भी हमने पढ़ा, अच्छा है बुरा है वो अलग बात है, बट उसने अच्छा खासा इन्वेट किया, कॉन्कर किया, बहुत सारी चीजें की ना, तो काउंट तो हम ब्रेवरी में ही करेंगे, भले हम उसको एक अच्छी नजर से नहीं देखते हैं बट ब्रेव ही मानेंगे, राइट। तो जिसके अंदर ऐसा ब्लड होगा, बट ऑब्वियस है कि वो भी कुछ ऐसा ही करना चाहेगा। तो बाबर भी कुछ इसी तरीके का था। अब बाबर के साथ एक घटना घटी, वो बुरे के लिए घटी या अच्छे के लिए घटी वो हम आगे समझेंगे। बाबर के जो फादर हैं उमर शेख मिर्जा, वैसे तो किसी भी बच्चे के लिए ये अच्छी घटना नहीं है, 1494 में उनकी डेथ हो गई। हमने यहाँ क्या देखा था, बाबर का जो बर्थ है वो 1483 में हुआ है। 1483 से 1494 तक जाओगे तो सिर्फ अभी बाबर 11 इयर्स का बच्चा है, तो आपको नहीं लगता कि इसके फादर जो कि फरगना के गवर्नर हैं, फरगना की जागीर उनके अंडर है, तो उस पूरी जागीर को एक 11 साल के बच्चे को हैंडल करना इज बिट डिफिकल्ट, बहुत मुश्किलें आई होंगी। और फिर उस समय कितने सारे आपस में वॉर्स वगैरह चलते थे छोटे मोटे, इनके ऊपर भी अटैक्स होते थे, तो बाबर के लिए ये बहुत टफ था। बट हाँ, इन छोटी छोटी जो अटैक्स हो रहे थे जिसमें बाबर हार भी रहा था, बट बाबर उनकी जो पद्धति होती है ना उनसे सीख रहा था, बहुत कुछ सीख रहा था। अगर आप कहेंगे कि घुड़सवारी हो, चाहे जो भी बाबर के वॉर टैक्टिक्स हैं, व्यू रचना की चीजें हों, ठीक है, वॉर में कैसे आप स्ट्रैटेजी बनाते हो, कैसे व्यू रचना करते हो, तुगलुमा पद्धति जिसे आप कहते हो, ये सब बाबर ने उसी दौरान सीखी, ठीक है, और उसका ही इस्तेमाल आगे करके बाबर एक बहुत बड़े साम्राज्य का फाउंडर बना, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पे 11 साल का जो बच्चा है उसके फादर की डेथ हो गई, फरगना का जागीर उसे मिला हुआ है, बट बहुत सारी मुश्किलें हैं, तो वो वहां से भाग के अपने अंकल के यहाँ चला गया काबुल। वहां पे उसने काबुल को 1504 में जीत भी लिया, 1504 में जीत भी लिया, ठीक है। ये कुछ छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको बता रही हूं। इसके अलावा जनरली हम क्या सुनते हैं कि 1526 बाबर का पहला अटैक इंडिया में, जनरली आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को पता होगा कि बाबर ने फर्स्ट अटैक इंडिया में कब किया था, बट जनरली हम ये सुनते हैं। तो मैं यहाँ पे भी आपको क्लैरिटी दे दूं कि फर्स्ट अटैक जो इंडिया में बाबर का हुआ था वो 1519 में हुआ था, बाजौर में, जब उसने भेरा के किले यानी भेरा के फोर्ट को कैप्चर किया था। अब इसका जिक्र दो कारणों से किया मैंने, पहला तो आपको पता होना चाहिए कि बाबर का फर्स्ट अटैक इंडिया में कब हुआ है,
दूसरा इम्पोर्टेंट, बाजोर का अटैक इसलिए है क्योंकि पहली बार भारत में बारूद का इस्तेमाल हुआ। पहली बार भारत में किसी युद्ध में बारूद यानी गन पाउडर का इस्तेमाल हुआ, तो वो बाजोर यानी, देखिए तोप की मैं बात नहीं कर रही हूँ, तोप पानीपत के युद्ध में इस्तेमाल हुआ है, बट बारूद का इस्तेमाल पहली बार, गन पाउडर का इस्तेमाल पहली बार 1519 में बाजोर पे जब बाबर ने अटैक किया था तब हुआ था। तो इतना आपको क्लियर है आई होप, ठीक है। अब हम बाबर के जो फिफ्थ बैटल बेसिकली है और फर्स्ट इम्पोर्टेंट बैटल जो इंडिया में हुआ था, बैटल ऑफ पानीपत, उस पे शुरू होने से पहले थोड़ा सा कुछ और चीजें समझ लेते हैं। देखिए बाबर इंडिया आया क्यों था, पर्पस क्या था, रीजन क्या था, उसमें एक बहुत बड़ा रीजन जो था वो ये था कि उसको इनवाइट किया गया था, ठीक है। किसने इनवाइट किया था, गवर्नर ऑफ पंजाब दौलत खान लोधी, ठीक है। इन्होंने ये कॉन्टिन्यूस इन्विटेशन भेज रहे थे बाबर को आने के लिए। और किसने, इब्राहिम लोधी के अंकल अलाउद्दीन लोधी ने। इब्राहिम लोधी कौन है, अगर आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ा है तो दिल्ली सल्तनत की जो लास्ट डायनेस्टी है जिसे लोधी डायनेस्टी कहेंगे, अब लास्ट डायनेस्टी वो इसीलिए है क्योंकि उसके लास्ट सुल्तान को बाबर ने डिफीट कर दिया था इब्राहिम लोधी को, और उसके बाद से मुगल डायनेस्टी शुरू हो गई थी। तो जब बाबर 1526 है तब दिल्ली सल्तनत पे कौन रूल कर रहा है, इब्राहिम लोधी। तो उनके अंकल अलाउद्दीन लोधी, इन्होंने इनविटेशन भेजा था। इनविटेशन भेजने का पर्पस क्या था, हेट्रेड, वो इब्राहिम लोधी को नहीं पसंद करते थे। अब देखिए होता क्या है ना, अब आप इमेजिन करो इंडिया को, अब हम एक थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कि इंडिया में कोई सेंटर पावर नहीं है, बंगाल बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान जम्मू एंड कश्मीर सब एक कंट्रीज है, एक अपने अपने किंगडम्स हैं। तो क्या होगा, आपको नहीं लगता है कि ये सब फाइट करते रहेंगे कॉन्टिन्यूस एक दूसरे से अपनी अपनी बाउंड्रीज के लिए, कि ये मेरी जगह है ये मेरी जगह, एक कॉन्टिन्यूस फाइट चलती रहेगी, कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा। अब अगर उत्तर प्रदेश की फाइट बिहार से चल रही है तो जो दूसरा किंगडम यानी दूसरा जो भी हम स्टेट या कंट्री है वो शायद यूपी की हेल्प ना करे, क्योंकि उसका भी इंटरेस्ट यही होगा कि मुझे भी कॉन्कर करना है, ठीक है। तो ये होता, इन लोगों का जो पर्पस था ना, इंडिया में उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि छोटी छोटी इंडिपेंडेंट किंगडम्स हो गई थी बहुत ज्यादा, और वो आपस में ही एक दूसरे से लड़ते थे उस किंगडम को और ज्यादा एक्सपैंड करने के लिए, उनके अंदर कोई यूनिटी नहीं थी। इसीलिए अगर आप बाबर को बैटल ऑफ पानीपत से पहले का देखो तो बहुत बहुत ज्यादा वो हारा है, बहुत ज्यादा कॉन्कर नहीं किया उसने जगहों को, बट जब वो इंडिया में आया तो इतना डिसइंटीग्रेटेड उसने इंडिया को देखा कि उसके लिए इंडिया कॉन्कर करना, क्योंकि अब देखो इब्राहिम लोधी को हराने के पीछे उसका कौन कौन साथ देने के लिए तैयार है, इब्राहिम लोधी के अंडर ही जो काम कर रहे हैं वो लोग ही, यानी कि आपका घर का ही कोई सदस्य जब आप पे हमला करने की सोचेगा आप उतने अलर्ट नहीं रह सकते हो ना, आपका हारना थोड़ा और निश्चित हो जाता है। बाहर के पावर से लड़ सकते हो अगर पूरी फैमिली यूनाइटेड है, बट अगर फैमिली का ही कोई एक इंसान है जो आपकी वीकनेसेस बता रहा है, जो आपके आपको हार्म पहुंचाना चाह रहा है, तो वहां पे अपने आप को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे हुआ यही, तो जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हमने क्या देखा, दौलत खान लोधी जो गवर्नर था पंजाब का और इब्राहिम लोधी के अंकल थे अलाउद्दीन लोधी, वो उन्होंने इन्वाइट किया था बाबर को। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट नाम और है, राजपूत किंग राणा सांगा। देखिए हम जब राणा सांगा की बात करते हैं तो वो बहुत बड़े राजा थे, बहुत ही ब्रेव राजा थे, बट शायद ये उनसे गलती कह लीजिए हो गई, क्योंकि उनका भी कारण यही था, वो भी इब्राहिम लोधी को नहीं हैंडल कर पा रहे थे। आप ये कह लीजिए इब्राहिम लोधी जिस तरीके से चीजों को कर रहा था, जिस तरीके से वो अदर टेरिटरीज को कॉन्कर करने की कोशिश कर रहा था, राणा सांगा भी इब्राहिम लोधी के इस पॉलिसी को पसंद नहीं कर रहे थे, और इब्राहिम लोधी भी थोड़ा क्रूअल टाइप का इंसान था, ठीक है। तो एज पर बाबरनामा तुज़ुक-ए बाबरी, जो कि बाबर ने टर्किश लैंग्वेज में खुद लिखी है, ऑटोबायोग्राफी है, उसमें ये मेंशन है कि
राजपूत किंगराना सांगा जो कि मेवाड़ के थे उन्होंने भी बाबर को इनवाइट किया था। ठीक है, एक हमने समझ लिया कि बाबर आया आने का पर्पस क्या था, एक पर्पस क्या था। दूसरा, बाबर जीत कैसा गया। रीजन यही है कि भाई, एक रीजन यही है कि इंडिया बहुत छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड हो चुका था, पावर यूनाइटेड नहीं थी, सब एक दूसरे को हराना ही चाहते थे। चलिए अब देखते हैं बैटल ऑफ पानीपत। तो बैटल ऑफ पानीपत में क्या है, पानीपत जगह कहाँ पे, हरियाणा के पास। ठीक है, दिल्ली से 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब इसमें आप एक चीज देखो, बाबर की जो सेना थी 12,000 थी, बाबर की जो सेना थी 12,000 थी, ठीक है, और इब्राहिम लोदी की जो सेना थी वो 1,00,000 थी। 12,000 और 1,00,000 में कितना डिफरेंस है, लेकिन फिर भी इब्राहिम लोदी हारे। क्यों हारे हम वो आगे देखेंगे। रीजन ये है कि जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि बाबर ने गन पाउडर का यूज किया, तो गन पाउडर तो इस बैटल में भी यूज हुआ ही, उसके अलावा फर्स्ट टाइम तोपों का इस्तेमाल हुआ, तोपों का। ठीक है, अब देखिए तोपों का इस्तेमाल उन्होंने कर दिया, तो उनकी तोपें इतनी ताकतवर नहीं थी कि उनसे जो बारूद निकल रहे थे उन्होंने बस एक ही बार में पूरा का पूरा इब्राहिम लोदी के सोल्जर्स को उड़ा दिया होगा। एक कहते हैं ना, कोई भी नई तकनीक आती है तो उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ उसके नेगेटिव्स होते हैं, तो कुछ बैकफायर कर गया था इब्राहिम लोदी को, वो देखते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि भाई गन पाउडर है, तोप्स है, फील्ड आर्टिलरी यूज हो रही है, इनके पास क्या है, इनका जो स्ट्रेंथ है, जो उस टाइम के किंग्स का स्ट्रेंथ होता था, तो इनका क्या स्ट्रेंथ है, एलिफेंट्स। तो ऐसा माना जाता था कि जिस राजा के पास जितने ज्यादा एलिफेंट्स होंगे उसकी जीत उतनी ही ज्यादा निश्चित होती है। बट स्टिल सोल्जर्स 1,00,000, एलिफेंट्स बहुत ज्यादा, फिर भी इब्राहिम लोदी क्यों हार गए। रीजन ये है क्योंकि पहली बार भारत में कुछ डिफरेंट यूज हो रहा था। हुआ क्या, जब बाबर ने एक स्ट्रैटेजी बनाई, ठीक है, अब एक चीज और आप समझ ली, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि होता क्या है कि सपोज करो मैं हूं, मैं किसी मैं खुद वॉलंटियर करूं या मुझे रिक्रूट किया जाए कि आपको देश के लिए लड़ना है, ठीक है, और ये मेरी इच्छा है कि मुझे मेरे देश के लिए लड़ना है, तो मेरे अंदर जो जोश होगा ना वो डिफरेंट होगा। लेकिन अगर मुझे फोर्स कर दिया जाए कि हर घर से सब लोग चलेंगे क्योंकि हमें कंट्री के लिए लड़ना है, जरूरी नहीं है कि हर इंसान के पास वो स्ट्रेंथ हो कि वो फाइट कर ले, ठीक है। हो सकता है कि मैं मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे तलवार नहीं उठाने आता, मुझे गन नहीं उठाने आता, मुझसे कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि मैं फाइट करूं। तो बाबर की सेना में क्या थे, ट्रेंड सिपाही थे, ठीक है, लेकिन इब्राहिम लोदी क्या 1,00,000 लेके आए थे, लोग लेके आए थे, जिन्हें जो सोल्जर्स नहीं थे, जिनको जबरदस्ती लेके चल दिया गया था कि आपको लड़ना है, फाइट करना है, ठीक है। तो एक तो ये कह सकते हैं डिसएडवांटेज था इनका, और बाबर के लिए एडवांटेज था क्योंकि जो उसके सोल्जर्स थे वो बहुत ही ज्यादा ट्रेन थे और वो पहले भी फाइट्स कर रहे थे, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ कि आप सब जानते होंगे कि जब एलिफेंट्स बहुत ज्यादा शोर सुनते हैं या कोई भी जानवर है वो पैनिक मोड में आ जाते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब तोपे चलाई गई तो वो जो एलिफेंट्स है वो पैनिक कर गए, और जब वो पैनिक कर गए तो उन्होंने वो इधर उधर भागने लगे, और इधर उधर भागने में उन्होंने अपनी ही सेना के लोगों को कुचल दिया, ठीक है, यानी कि आधे से ज्यादा तो लॉस उनके ही एलिफेंट्स ने इब्राहिम लोदी का कर दिया, ठीक है। तो एक ये कारण हुआ। दूसरा, बाबर ने कुछ स्ट्रैटेजीज भी बनाई थी, मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ अगर मैं आपको ड्रॉ करके बता पाऊं, ठीक है। आपने मूवीज में देखा है ना, बाबर ने क्या किया, इस तरीके का एक वो बनाया, गड्ढा टाइप का बनाया बहुत ही गहरा, और उसमें नोकीले चीजें डाल दी, ठीक, और उसको उसने कवर कर दिया। अब कवर करने से क्या, जब यहां से सैनिक जा रहे हैं, यहां से सैनिक जाएंगे तो क्या है, उस गड्ढे में गिरेंगे, फर्स्ट स्टेप गड्ढे में गिरेंगे तो एक क्योस होगा ना, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। उस क्योस में जो अपोनेंट की सैनिक यानी बाबर की जो सैनिक है उनको संभलने का मौका मिलेगा। तो एक तो ये अच्छी स्ट्रैटेजी बाबर की थी। दूसरा, उसने क्या किया कि जो बैलगाड़ियां होती हैं उससे उसने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया, ठीक है, जो उसमें आप स्पेस देख रहे हो उसको उसने लेदर बेल्ट से या किसी भी चीज से उसने
इसको इस तरीके से ब्लॉक किया। अब इसमें जो गैप थे वहां पे उसने अपने तोपों को खड़ा कर दिया, ठीक, जो उसके तोप्स हैं वो यहाँ पे उसने प्लेस कर दिए, और उसकी जो आर्मी है राइट लेफ्ट और सेंटर में खड़ी थी, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से एक तो यहाँ से ब्लॉकेज है, यहाँ पे गड्ढा है, आप आओगे गिर जाओगे, तब तक भाई उनके जो ये क्या कह सकते हैं तीरंदाज हैं वो क्या करेंगे, तब तक अपनी तीर चलाना शुरू करेंगे, वो आपको नुकसान करेगा, यहाँ से आपके तोपों से गोला बारूद निकल ही रहे। अब ये सब हो रहा है, तब तक यहाँ पे क्या डिफरेंट चीज हो गई, इनके एलिफेंट्स पैनिक कर गए, इनके हाथी पैनिक कर गए, और यहाँ पे चीजें डिफिकल्ट हो गई। इसके अलावा भी क्या हुआ भाई, किंग का जिंदा रहना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बैटल को आगे कंटिन्यू करने के लिए, बट इब्राहिम लोदी ने शायद ब्रेवरी कहेंगे या फूलिशनेस क्या दिखाई वो आप लोग जज करिएगा। इब्राहिम लोदी से बोला गया कि बैटल डिफिकल्ट हो रहा है, आप भाग जाओ, अगर आप जिंदा रहोगे तो हम बाद में जीत सकते हैं, लेकिन इब्राहिम लोदी ने मना कर दिया, उसने कहा कि मैं भागूंगा नहीं, ठीक है, और नहीं भागे इब्राहिम लोदी, हार गए, बाबर ने उनका सर कलम कर दिया। सिर्फ इब्राहिम लोदी का ही नहीं सर कलम किया, बाबर ने जितने भी सोल्जर्स थे उन सब का सर कलम करके एक दीवार बना दी, और उसने ये एक मैसेज दे दिया कि मैं आ गया हूँ और मुगल डायनेस्टी शुरू हो गई है। तो एक टर्निंग पॉइंट की तरह है बैटल ऑफ पानीपत। अब थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं, हुआ कब, 1526। देखिए, पानी पिया खाना खाया के हिसाब से मैं ट्रिक्स नहीं दूंगी। बैटल ऑफ पानीपत हुआ कब, 1526, ठीक है। कहाँ पे है पानीपत, हरियाणा में है। अब इब्राहिम लोदी को जब ये आप याद रखोगे कि इब्राहिम लोदी से हुआ, इब्राहिम लोदी को हरा के मुगल डायनेस्टी आई, तो एटलीस्ट आपको लोदी वंश की जो क्रोनोलॉजी सॉरी दिल्ली सल्तनत में जितनी भी डायनेस्टीज है उनकी क्रोनोलॉजी में एक चीज तो याद हो जाएगा कि लोदी इज लास्ट डायनेस्टी, क्योंकि भाई लोदी के डेथ के बाद ही, इब्राहिम लोदी के डेथ के बाद ही मुगल डायनेस्टी आ रही है, ठीक है। अब सोल्जर्स वगैरह कहानी मैंने आपको पूरी समझा दी है, तो आई होप चीजें आपको क्लियर होंगी और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आई जस्ट से प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।